हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बसरस। आज मैं फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बसरस में। और आज मैं खान मार्केट के पास एक शांत फ्रास स्ट्रीट के किनारे पूरे भारत ओवर लेडी ऑफ वेलकनी अच्छे स्वास्थ्य की हमारी महिला सबसे शांत और सुंदर चर्च है। ये मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर इसको कवर करने आया हूँ। बड़ा खूबसूरत चर्च है, तो चलते हैं अंदर। ये देखिए, यहाँ से हमारे चर्च की एंट्री है और मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी बताता चलूँगा। जैसे कि इस चर्च की स्थापना 1959 में एक समर्थित जोड़े द्वारा की गई थी और इसमें कई संतों और एक छोटे छोटे मंदिरों के भरा एक चैपल भी शामिल है। तो ये सामने हमारा मेन प्लेस है, यहाँ पे सामने बैठ के आप अच्छे से प्रे कर सकते हो। बहुत शांत और पीसफुल प्लेस है, बहुत खूबसूरत प्लेस है, यहाँ आना चाहिए आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे अपने कवर करने के लिए आया हूँ। साथ ही हमारी लेडी ऑफ वेलकनी की कई छवियां भी शामिल हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा, अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। और यहाँ पे एक पंडुओं के सेंट एंथनी की मूर्ति भी है शामिल है, जिसके पास भारतीय रुपए के नोटों से एक बना स्टॉल है, मैंने पहले भी देखा था, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे चीज़ों को दर्शाया गया है, बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को दिखाया गया है। लाइटिंग वगैरह, वहाँ की वाइब्रेशन, डेकोरेशन बहुत प्यारा, इसको आर्ट बहुत प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। और एक सबसे बड़ी एक जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगती है, यहाँ पे मुझे बाहर बताया कि इसकी देखरेख भी हिंदुओं द्वारा की जाती है। यहाँ पे क्रिश्चियन से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं क्योंकि साथ ही खान मार्केट पड़ती है, तो और ये बहुत ही फेमस चर्च है दिल्ली का। तभी मैं यहाँ आया हूँ इसको कवर करने, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था, श्राइन की स्थापना 1959 में माइकल एंथनी और एलिजाबेथ एंथनी के द्वारा की गई थी, जिनकी मृत्यु 2007 और 6 में हो गई थी। और ये देखिए, अब इसकी ये छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई, अब इसका आर्ट देखिए कैसे कैसे चीज़ों को दर्शाया गया, बड़ा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और ये एंट्री होते ही सामने एक चाचा की छोटी सी शॉप है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ से खरीद सकते हैं, लॉकेट वगैरह, पोस्टर वगैरह, और रेट भी ठीक है, आराम से ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से बाइबल खरीदी। और ये देखिए बालकनी को कई जगह पे कई अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है, लाइटिंग वगैरह बड़ी खूबसूरत, तो बहुत ही शांत और पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे आराम से आप बैठ के 15-20 मिनट अपना माइंड आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा जब आप यहाँ आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने कैसे पूरा कवर करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, पूरी आर्ट वगैरह, और बहुत पुराना। ये देखिए कैसे कैसे इसको, मैं खुद भी यहाँ 15-20 मिनट बैठा तो मुझे वाइब्रेशन बहुत अच्छी लग रही थी, मैं वो अच्छा लगा तो मैं बैठ गया, मुझे लगा कि बैठना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ से अब हम बाहर आ गए हैं, तो बाहरी हिस्से को फ्रांस टॉक वाली पारंपरिक मीनार द्वारा चिन्हित किया गया है। साथ ही परिसर के प्रवेश द्वार पे एक शामियाना और जिसपे बालकनी का चित्र भी बना है, ठीक है। सामने ये बाहर का पूरा प्लेस है, पूरा देख सकते हैं यहाँ से जब आप एंटर करेंगे। और यहाँ से अभी मैं आपको यहाँ पे मोमबत्ती भी लगाएं, जरूर आए। ये देखिए, ये बाहर का एक पूरी लोकेशन है, पूरा इसको तरीके से दिखाया गया, बहुत ही अलग तरीके से इसको दिखाया गया है। आप जब चर्च देखोगे, चर्च तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जब आप यहाँ होगे तो देखना आप किस तरीके से दर्शाया गया। ये मैं आपको यहाँ, मुझे लगा कि मोमबत्ती भी लगाई मैंने यहाँ पे उससे, तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, तो मैं यहाँ से अपने वीडियो का एंड करते हुए, तो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।